हेलो गाइस, मैं आज रिव्यू करूँगा स्मार्ट लैंडलाइन एंड्रॉयड फ़ोन का। ये एंड्रॉयड टच स्क्रीन फ़ोन है। इसमें आप व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चला सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, यहाँ कैमरा है। मैं इसका प्राइस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ एक लिंक भी दे दूँगा जिससे आप बाई कर सकते हो, या डायरेक्टली मुझसे आप बाई कर सकते हो, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ पीसेज यहाँ रखे हुए हैं, बाकी कुछ स्टॉक मेरे पास है। टोटल 15 पीस अवेलेबल है मेरे पास, तो लिमिटेड स्टॉक है। किसको चाहिए प्लीज़ जल्दी ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि फिर अवेलेबल नहीं होगा। ये इसका बॉक्स है, ये वोल्ट है, इसमें जियो सिम भी चलता है। मैं आपको थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये 4G वायरलेस लैंडलाइन फ़ोन है, इसके अंदर 1800 mAh की बैटरी है, कॉल ड्यूरेशन इतना है। आप इसको डायरेक्टली चार्जर आता है इसके साथ में, उसके साथ कनेक्ट करके 24 आवर्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बैटरी पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टैंड बाई टाइम बैटरी का इतना है। इसका टोटल वेट 680 ग्राम्स है। इसकी रैम 2 GB है, 16 GB मेमोरी है, और इसका साइज़ आप देख सकते हो ये है। ये डबल सिम में है, आप डबल सिम 4G से में इसे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन साइज़ 5.0 इंच है। चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ जल्दी से। ये इसकी डाटा केबल है, लंबी डाटा केबल है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसमें सैमसंग वाली माइक्रो यूएसबी डाटा केबल लगती है। इसमें चार्जर है, जो आप अगर इसे चाहें तो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करके रख सकते हो। साइड में कर देता हूँ। इसके साथ में पेज आता है, पढ़ लीजिए। इसमें ऐप वगैरह इंस्टॉल करने के काम आता है, बाकी बहुत सारे तरीके हैं ऐप इंस्टॉल करने के। हम वैसे भी मैं किसी को भेजूँगा तो ऐप इंस्टॉल करके ही दूँगा जो चाहेगा, और मैं उन्हें सिखा भी दूँगा कैसे इसमें ऐप इंस्टॉल होती है। इसके साथ में आपको ये चाइनीज़ में है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिम अडेप्टर है जो आप इसके साथ में इसमें डाल के यूज़ कर सकते हो। मैं बॉक्स को साइड में रख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट को आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे सेटअप कर दिया है, मैंने अभी इसे ऑन किया है। ये ऑन होने में 30 सेकंड लेता है। यहाँ पे इसका कैमरा दिया हुआ है, सारे बटन हैं, कुछ दो तीन बटन इसका चाइनीज़ में है। इनका ज़्यादा यूसेज नहीं है सिम चेंज करने के लिए, अगर आप दो सिम यूज़ कर रहे हो। और यहाँ ये इसका ये पार्ट लगता है, ये एंटीना है, ये यहाँ पे आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हो। जैसे आप उठाते हो तो ये ऑटोमेटिक इस पे काम करता है। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ऐप इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो ऐप मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन सी इंस्टॉल की हुई है इसमें। तो इसमें ऐप मैंने सारी इंस्टॉल की हुई हैं। जब भी कोई ऑर्डर करता है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ उनको कौन कौन सी ऐप इसके अंदर इंस्टॉल करवानी है, तो मैं वही इंस्टॉल करके देता हूँ, और उन्हें अच्छे से समझा भी देता हूँ कोई भी ऐप इसके अंदर कैसे वो डाल सकता है। यह रोटेटेबल 5.5 इंच की टच स्क्रीन है, आप इसको ऐसे रोटेट कैसे जैसे भी आपको चाहे वैसे कर सकते हो। देखने में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, और काफ़ी फास्ट भी है, हैंग नहीं होता है इतना। तो मैं आपको एक एक करके इसके सारे फंक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके मेन फीचर कुछ दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने इसमें 4G चल रहा है, देखिए अभी मैंने इसमें जियो सिम डाला हुआ है ऑलरेडी, तो इसके अंदर अभी जियो सिम चल रहा है। इसके अंदर वाईफाई है, सिम कार्ड्स हैं, ये वाईफाई है, इसके अंदर वाईफाई में जा रहा हूँ, वाईफाई इसमें कनेक्ट कर सकते हो आप मैनुअली अभी, और ये अभी ऑफ है। और इसके अंदर एरोप्लेन मोड, ब्लूटूथ है, वाईफाई कॉलिंग, टैथरिंग और पोर्टेबल हॉटस्पॉट है, मोबाइल नेटवर्क है, हॉटस्पॉट भी है इसके अंदर। आप हॉटस्पॉट चाहे तो हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो। रिंगटोन्स आ जाएंगी, बैटरी के अंदर बैटरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कितनी चार्ज है। स्टोरेज के अंदर 16 GB इसमें स्टोरेज मिलता है। मेमोरी ऐप एंड नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में जाके आप उसमें पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो। लैंग्वेज में इसमें लैंग्वेज मिल जाएंगे आपको, मैंने हिंदी इंडिया की हुई है इसमें, और बहुत सारी लैंग्वेज आपको इसमें मिल जाएगी। आप अपने
अपने हिसाब से इसमें कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। देखिए नेपाली है, मराठी है, इंडिया की लैंग्वेज भी मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें। मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर आपको सब लैंग्वेज मिल जाएंगी, ठीक है। अभी और मैं आपको इसकी मेन स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर आप मैसेजेस वगैरह कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ किसी नंबर पे। मैं रैंडमली किसी नंबर पे फ़ोन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कोई भी नंबर टाइप किया, मैं अभी कॉल मिला रहा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कॉलिंग वाया कृपया जियो डायल 4G। किए गए नंबर की जांच कर ली। तो मैंने किसी नंबर पे वैसे कॉल नहीं किया, अभी रैंडमली आपको दिखा दिया गया कि इसमें कॉल जाती है। चलिए अभी मैं आपको इसका 4G नेट टेस्ट करवाता हूँ, नेट कैसा इसमें चलता है। इसमें गैलरी वगैरह आएगी, आपको फ़ोटो स्टोर हो जाएंगे, म्यूजिक में आप गाने सुन सकते हो, ब्लूटूथ से किसी आप ब्लूटूथ से आप किसी भी ईयरफोन को कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हो, किसी होम थिएटर को कनेक्ट करके उसमें गाने चला सकते हो, या इसमें मूवीज़ भी देख सकते हो आप। और वो आपका सॉन्ग जो है आपका थिएटर पे चलेगा, होम थिएटर पे चल जाएगा। कैमरे से आप वीडियो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो इसमें। आपको इसमें व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल करके दिखाया, ऑलरेडी किया हुआ है, देखिए इसमें चलता है व्हाट्सएप। मैंने इसमें साइन इन नहीं किया व्हाट्सएप में, वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसमें व्हाट्सएप का अपना नंबर डाल सकते हो, व्हाट्सएप आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो उसमें। एमएक्स प्लेयर में आप कोई भी, ये नॉर्मल ऐप है जो आप नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हो, सारी ऐप इसमें चल जाती है मोस्टली। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 7.1 है, तो इसमें आप नॉर्मली कोई भी वीडियो चला सकते हो। एक तरह से ये आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन प्लस लैंडलाइन है। तो इसमें आप वो हर एक फंक्शन यूज़ कर सकते हो जो आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हो। यहाँ आप ट्रू कॉलर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऊपर मेन्यू। यूट्यूब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें अच्छा 4G नेट चल रहा है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है फोन का। आप देख सकते हैं इसमें नेट कितना बढ़िया चलता है, फास्ट 4G नेट चलता है इसमें। तो स्पीड की तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने एक मूवीज़ की ऐप डाली, आप इसमें डायरेक्टली मूवीज़ भी चला सकते हो, कोई भी मूवी आप इसमें देख सकते हो। जैसे मैं आपको कोई मूवी चला के दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने इसमें मूवी चलाई है डायरेक्टली ऑनलाइन, इसमें नॉन स्टॉप बढ़िया मूवी आप देख सकते हो बिना बिना किसी नेट प्रॉब्लम के। इसमें नेट फास्ट चलता है, तो रुकता नहीं है बीच में। इसमें मैंने पेटीएम ऐप डाली हुई है, बाकी अभी इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। जो भी नीड हो किसी को आप इंस्टॉल कर सकते हो। मेल वगैरह के लिए ऐप डाली हुई है। इसके अंदर प्ले स्टोर नहीं है, इसी वजह से प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते। बहुत सारे तरीके हैं, आप मैं तरीके समझा दूंगा। अगर किसी को बाय करना हो तो ऐप आप इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट है, आप जो भी कांटेक्ट होंगे आपके, सॉरी कॉल आ रहा है किसी का। तो किसी का कॉल आ रहा है, मैं बस तो 1 मिनट म्यूट करके इनसे बात कर लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, किसी का कॉल आ गया था तो मुझे 5 मिनट उनसे बात करना पड़ा। वैसे चलिए अच्छा हुआ, इसमें मैंने वॉइस क्लैरिटी भी चेक कर ली कॉल की, बिल्कुल बढ़िया इसमें आवाज़ आ रही थी। और तो मैं आपको उसका फीचर बता रहा था।
मैं आपका इसको कैमरा टेस्ट करा देता हूँ। अगर आपको वीडियो कॉल करनी है तो आप कैमरे में आपको कैसी क्लैरिटी दिखाई देगी, आपको मैं कैमरा टेस्ट करवा देता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी कैमरा कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी है। एक्चुअली ऊपर लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा। मैं आपको टेडी बियर दिखाता हूँ इसके कैमरे में कैसा दिखाई देता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो कॉल कर सकते हो आप इसके थ्रू। इसमें आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 है। आप इसके अंदर ऐप इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी फाइल ट्रांसफ़र से करके भी, इसमें फाइल मैनेजर से ट्रांसफ़र करके भी आप इसमें ऐप डाल सकते हो। आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। आप कंप्यूटर लैपटॉप से भी इसमें ऐप डाल सकते हो, उसका एक सॉफ्टवेयर आता है। इसमें बहुत सारे तरीके से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है वो। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट है, आप कोई भी इसमें शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, फिर इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। लास्ट चीज़ जो आप लोगों को बतानी रह गई है, सिम स्लॉट आपको मैं इसके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको ढक्कन आप खोल सकते हो फोन का। इसके अंदर आपको ये बैटरी मिल जाएगी। ये आपकी 1800 mAh की बैटरी है। इसके अंदर मैंने सिम लगाया हुआ है, यहाँ पे जियो का एक सिम यहाँ पे आप स्लाइड करके लगा सकते हो। डबल सिम है, यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये ऐसे करके लॉक खोल के ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएगा। तो डबल सिम आप और प्लस मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद इसके बैटरी लगा कर इसका कवर क्लोज करके आप इसको वैसे बंद भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं आपको लिंक दे दूँगा। उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। अगर मुझे डायरेक्ट लोगे तो मैं आपको उस पर डिस्काउंट दे दूँगा। अदरवाइज़ आप इसे मैं लिंक दे दूँगा, आप दिए गए लिंक पे भी लिंक से भी आप इसको बाई कर सकते हो।